वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगातार काम हो रहा है। प्रदेश की योगी सरकार भी महिलाओं के लिए एक्शन मोड में काम करती नजर आ रही है। महिलाएं बच्चियों बेखौफ होकर घूम सके, कहीं भी जा सके, एक ऐसे प्रदेश का सपना लेकर योगी सरकार सख्ती से और पूरे जोश के साथ मिशन में जुटी हुई है। लेकिन उनका क्या किया जाए जो अपने ही घर में अपनी ही बच्चियों और महिलाओं को ही अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। अब बुलंदशहर से जो खबर सामने आई है उसे सुनने के बाद पहले तो आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा, फिर आप ये सोचेंगे कि हम जिस समाज में रह रहे हैं क्या वो अंदर से मर चुका है? हम किस ओर बढ़ रहे हैं, कहां जा रहे हैं हम? बुलंदशहर के रहने वाला एक परिवार की 3 बच्चियों ने अपने ही अब्बू पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। मामले में बेटियों की लिखित शिकायत पर आरोपित अब्बू जाकिर अली पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पत्रकार सचिन गुप्ता ने ट्वीट कर इस मामले में जानकारी देते हुए लिखा, यूपी के जिला बुलंदशहर में 45 साल के जाकिर अली की 9 बेटियां हैं। आज 3 बेटियों ने एसएसपी से शिकायत की है। आरोप लगाया है कि पिता सारी बेटियों से छेड़छाड़ करते हैं, प्राइवेट पार्ट तक को छूते हैं, अपने साथ सोने के लिए मजबूर करते हैं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं उनके ट्वीट पर बुलंदशहर पुलिस ने इसका जवाब भी दिया है। पुलिस ने अपने ट्वीट में लिखा, लड़कियों द्वारा पिता पर लगाए गए आरोपों के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सियाना पर अभियोग पंजीकृत कराते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू कर भी दी है। वहीं एक पत्र वायरल भी हो रहा है जिसमें उन 3 बेटियों का दावा करते हुए एक शिकायत दर्ज कराने की अपील की गई है। इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज।